दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखिए मैं आज रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए, और ये मत बोल देना कि कितना कहाँ कहाँ जाती रहती है, लेकिन आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम में मैं जा रही हूँ और वो क्या है मैं बताती हूँ। तो दोस्तों मैं रेडी होके बेटी को भी रेडी कर चुकी हूँ। आप लोग गेस्ट करो कि मैं बेटी के लेके कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ उसे लेके जा रही हूँ वो ज़रूर रोने वाली है, आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं कहाँ जाऊँगी और मैं बताऊँगी। हम निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और बेटी देख रही है, माता और पिता को देख रही है, और हम जस्ट निकलने वाले हैं। और ये देखिए निकल चुके हैं, और घर के जो सामने दीदी थी वो भी हमारे साथ चली, तो थोड़ी लेट हो गए हम। दोस्तों जब ये दिन आता है तो हमारा नींद, रातों का नींद, दिन का खाना सब कुछ हट चुका होता है, और मैं ये सोच कर ही परेशान होती हूँ कि ये एक दो दिन कब छूटेगा या तो कब जाएगा, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं हम सच में। दोस्तों मैं लेके आई थी मेरी बेटी को मेडिकल हॉस्पिटल, क्योंकि बेटी का आज था टीका, मतलब कि उसका लगाने वाला था सुई, और एक दो सुई नहीं क्या ही बताऊँ, चार चार सुई लगाना था उसे, और मैं सोच कर ही डर गई थी, क्योंकि चार सुई लगाने के बाद बेबी का जो हाल होने वाला है आर्या का वो अलग बात था, और मैं सोच के ही डर जाती हूँ जब उसका सुई आता है। तो हम पहुँच गए हैं मेडिकल अभी। दोस्तों बेटी को बेजी लगा चुके हैं चार चार, और रो के उसका बहुत बुरा हाल था, और मुझे उसे मनाने में पूरा एक डेढ़ घंटा लग गया था। आप देख सकते हो रो के कैसी हो चुकी है बेचारी, और इतना प्यार आ रहा था उसके ऊपर मेरा, सच में इतना प्यार आ रहा था, और बहुत रोई सच में। चार चार सुई लगाना मतलब आसान बात नहीं है, हमें भी डर लगता है चार चार सुई लगाने के लिए, और उसे तो इतनी छोटी बच्ची है तो कैसे लगाए या तो कैसे सोएगी वो, मैं सोच के डर रही थी। और हम मेडिकल से निकल के आके थोड़ी देर बाज़ार में उतरे, और बाज़ार में मुझे मोमो लेना था घर में लेके जाके, क्योंकि वहाँ नहीं खा पा रही थी, तो उसके पापा के साथ थी मेरी बेटी और मैं गई मोमो लेने। उसके बाद मुझे बोला कि चलो चाय पीते हैं, तो हम चाय खाने रुक गए। फिर उसके बाद हम चले गए घर डायरेक्टली, और मेरी बेटी को मैं क्या क्या बोल के मैं दिखा रही हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मान गई, लेकिन घर में जाके वो बहुत रोई सच में। और हम घर चले गए, और हम घर जाने के बाद मेरा भाई आने वाला था आर्या को देखने के लिए, और वो लोग भी हमारे घर जाने के 10-15 मिनट बाद आ ही गए, क्योंकि आज उसका चार चार सुई था, तो भाई नहीं देख बिना नहीं रह सका, तो वो आ गया देखने के लिए भांजी को। और वो आ गया था, और मैं भी उसे दिखाने लगी, और वो बोल रहा है हाय दूर से ही, वो उसे पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों ये लोग ना दाल को पीन रहे हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, जातो, हमारे नेपाली से जातो बोलते हैं, और ये दाल चावल कुछ कुछ पीनने को काम आता है, तिल वील ऐसा, और ये जो दाल है ये गाय को खिलाने के लिए ये लोग पीन रहे हैं, इसे हम गाय को खिलाएंगे, क्योंकि मेरा गाय माँ बन चुकी है तो उसे खिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए कैसे घुमा रही है, ये पत्थर का बना हुआ है, और इससे चावल कूटते हैं, और इससे दाल वाल पीनते हैं हम। तो दोस्तों आज इसे चार चार सुई लगा लिया है हमने, क्योंकि आज उसका सुई का दिन था, टीका लगाने का दिन था, तो चार 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 हाथ पाँव में चार ही लगाए थे, ये देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ही हाथ पैर में ये चार चार है,
और बहुत रोई थी ये, और इसे फुलाना भी इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सच में मुझे इतना, जब मैं तो उसके साथ बैठी नहीं जब उसे बेजी लगा रहे थे, उसके पापा के साथ थी वो, और मैं नहीं देख सकती सच में वो बेजी जब लगाते हैं, मैं रो पड़ती हूँ, और इसलिए मैं उसके साथ नहीं रही और वीडियो भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी वीडियो। और वो जब एक एक बेजी लगाने के बाद कंटिन्यू 4 बेजी लगाए थे तो उसके बाद रो रही थी, तो मैं उसे लेके बाहर आके उसे मैं फुला रही थी कि मत रो। फाइनली अभी नहीं रो रही है, और पता नहीं इसे बुखार तो ज़रूर आने वाला है शाम तक, क्योंकि 4-4 जो सुई लगाया है इसे, और एक बच्ची को 4-4 सुई लगाना मतलब सोच ही सकते हो कितना डेंजर है। तो ठीक है, लगाना तो पड़ता ही है, और देखते हैं इसे बुखार आता है या नहीं। भगवान को प्रे करती हूँ कि इसे बुखार ना आए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और इसका मामा लोग आए हैं तो वही खा रही है, मामा ने क्या दिया पता नहीं, वही खा रही है अभी इसी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।